तो आज की राजनीति में वो आस्था क्यों नहीं है? ये कर्मकांड क्यों बन गया है कि चुनाव के समय आकर घोषणाएं हो जाती हैं, तमाम आपको वादे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों में जो वादा करता है उसकी खुद की आस्था नहीं है, उसकी खुद का विश्वास नहीं होता, करके चले जाता है, चुनाव हो जाता है, चुनाव जीत भी जाते हैं बड़े बड़े वादे करके, घोषणाएं करके, लेकिन उसके बाद उनको पूरा करने की कोई कोशिश नहीं होती। तो आज यहां खड़े होकर, इस संस्कारधानी धरती पर खड़े होकर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ एक पुरानी राजनीति की, जिसमें हमारे नेता जो कहते थे वो करके दिखाते थे, जिसमें हमारे नेता सब कुछ न्योछावर करके आपके लिए दिन रात एक करते थे, आपकी सेवा सर्वोपरि होती थी उनके दिल में, उनके दिमाग में। और मैं कहना चाहती हूं कि जो आपके साथ पिछले 18 सालों से हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि आपका इस्तेमाल हो रहा है, शोषण हो रहा है। आपके सामने आकर तरह तरह के वादे, तरह तरह की घोषणाएं होती हैं और उनको पूरा नहीं किया जाता। धन बल को लेकर, धनादेश के बल पर जनादेश को कुचला जाता है। आपको याद है यहां पिछले चुनाव में हमारी सरकार बनी थी, आपने बनाई थी, लेकिन जोड़ तोड़ करके, पैसे लगाकर, हर तरह की चीजों को करके भाजपा के नेताओं ने हमारी सरकार तोड़ी और अपनी सरकार बना दी। चलिए, भाजपा की सरकार बन गई, कुछ अच्छा करके दिखाते